दोस्तों, अगर आपने कभी भारत के नक्शे को गौर से देखा हो तो इस बात का जरूर ध्यान दिया होगा कि हमारे देश के नक्शे में श्रीलंका को भी दर्शाया जाता है। बचपन से भारत का मानचित्र देखने और उसका चित्र बनाने के बावजूद भी आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश के नक्शे में श्रीलंका का नक्शा भी साथ में क्यों दिखाया जाता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आखिर भारत के मानचित्र में क्यों आता है श्रीलंका? अगर आप किसी भी देश के मानचित्र पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि हर देश के आसपास मौजूद सीमा रेखा दूसरे देश से मिलती है। ऐसे में किसी भी देश का नक्शा देखने पर आपको दूसरा देश भी दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नक्शे में दिखाया गया देश किसी दूसरे देश का हिस्सा कहलाएगा। इसी तरह भारत के नक्शे में दिखाया गया श्रीलंका हमारे देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसे हमारे देश के नक्शे में दिखाए जाने के पीछे समुद्री कानून है। इस कानून को बनाने की पहल द यूनाइटेड नेशंस यूएन द्वारा की गई थी, जिसके तहत साल 1956 में पहला लॉ ऑन ऑफ द सी यूएनसीएलओएस फर्स्ट यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन का रिजल्ट साल 1958 में घोषित किया गया था, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय देश शामिल हुए थे। लॉ ऑन द सी यूएनसीएलओएस फर्स्ट के तहत समुद्र और विभिन्न देशों की सीमा रेखाओं को लेकर संधियों और समझौतों पर एकमत रखा गया था। इस कानून को लेकर साल 1973 से 1982 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से जुड़े कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी। लॉ ऑफ द सी के तहत किसी भी देश की आधार रेखा यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में मौजूद हर चीज को नक्शे में दिखाना अनिवार्य है। आपको बता दें कि एक नॉटिकल माइल्स 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है। इस हिसाब से 200 नॉटिकल माइल्स 370 किलोमीटर होता है। ऐसे में समुद्री कानून के तहत भारत की आधार रेखा से 370 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज या देश को नक्शे में दिखाना अनिवार्य है, जिसकी वजह से श्रीलंका दूसरा देश होने के बावजूद भी भारतीय मानचित्र का हिस्सा बन जाता है। आपको बता दें कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित धनुषकोड़ी गांव से श्रीलंका की दूरी महज 18 मील है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत भारतीय नक्शे का हिस्सा कैसे बना होगा। लॉ ऑफ द सी के तहत भारतीय नक्शे में श्रीलंका को दिखाए जाने को लेकर आर्टिकल 76 में कुछ अहम बातों का जिक्र किया गया था, जिसके तहत ये बताया गया था कि अगर भारत या श्रीलंका अपने अधिकार क्षेत्र को मानचित्र में दर्शाते हैं तो उसके 370 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर वाटर बॉडी को दिखाना जरूरी है। यही वजह है कि भारत के मानचित्र में श्रीलंका को दर्शाए जाने पर किसी तरह का विवाद पैदा नहीं होता है, क्योंकि इस नियम के तहत भारत श्रीलंका पर अपना अधिकार नहीं जमाता है। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो अपने देश की सीमाएं कई दूसरे देशों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में भारत के विभिन्न राज्यों को दर्शाने के लिए हमें अपने पड़ोसी देशों को भी मानचित्र में दिखाना पड़ता है। अगर उत्तराखंड को दिखाना है तो उसके साथ जुड़ा नेपाल भी मानचित्र में दिखाई देगा। वहीं भूटान और बांग्लादेश भी अपनी सीमा रेखाओं की वजह से भारतीय नक्शे में थोड़ी बहुत जगह बना लेते हैं। हालांकि श्रीलंका के साथ भारत किसी भी तरह से सीमा का बंटवारा नहीं करता है। ऐसे में अगर भारत चाहता तो श्रीलंका को अपने नक्शे से बाहर कर सकता था, लेकिन लॉ ऑफ द सी की वजह से भारत को अपने नक्शे में श्रीलंका को दिखाना अनिवार्य है। और ऐसा सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे कई देशों के साथ देखने को मिलता है। दुनिया के समुद्री देशों के लिए 370 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर वाटर बॉडी को अपने नक्शे में दर्शाने का नियम है। ऐसा करने से किसी दूसरे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत के नक्शे में श्रीलंका को दिखाए जाने के पीछे क्या कारण है। इसलिए अगली बार श्रीलंका को भारतीय नक्शे में दिखाए जाने को लेकर किसी तरह के भ्रम में ना रहे। अगर आपको अभी भी इससे जुड़ी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इसके बारे में और अधिक जानकारी दे सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।